हाय फ्रेंड्स, मौजूदा फ्रॉम सबका स्वागत है। आज सेकेंड डे है चिक्स का। तो सेकेंड डे में यहाँ पे पानी में जो अर्ली चिक्स मॉर्टलिटी के लिए जो मेडिसिन होता है यानी एंटीबायोटिक, इसे लगाया गया है। बाकी प्री स्टार्टर यहाँ पे फीड दिया जा रहा है। ये सुकुना कंपनी का चिक्स है। चिक्स का तो फिलहाल तो ग्रोथ अच्छा है, और मॉर्टलिटी की बात करें तो 6-7 जो नॉर्मल चिक्स था वो अलग से रखा गया है। अलग वो वाला हम दिखाएंगे आपको, छोटा सा एक बोर्डिंग में रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से चिक्स थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे जो एकदम नॉर्मल बच्चा है उसे ला के यहाँ पे रखा जा रहा है, जिसका मतलब चलने फिरने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर रखेगा तो वो जल्दी मर जाएगा। वो वहाँ से कुछ रिकवरी हो रहा है, उसे फिर ब्रूडिंग के अंदर डाला जा रहा है। बाकी यहाँ पे 5 ब्रूडिंग लगा हुआ है, 1900 टोटल चिक्स यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए दाना इसमें भी डाला गया है, जिसके अंदर सब बच्चा वहाँ पे खा के वहाँ पे सो रहा है। और बाकी जो फीडर इसमें डाला गया है, फीडर में भी दाना दिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बच्चे का क्वांटिटी थोड़ा कम है, इसलिए फीडर भी कमी लगाए गए हैं, और पानी का भी थोड़ा कमी है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पानी का जो ड्रिंकर है वो कुछ 8, एक ब्रूडिंग में 8 लगाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 8-9 ऐसे लगाए गए हैं। और 5 ब्रूडर में अभी फ़िलहाल 1900 बच्चे को रखा गया है। ये साइड में जब दब रहे हैं ना, तब जाके मरने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम इसमें आपको फर्स्ट टू लास्ट जो अपडेट है पूरा दिखाएंगे। और ड्रिंकर में हम ड्रिंकर दोपहर को इसे साफ करके फिर दूसरा पानी डाला गया है। अभी फ़िलहाल तो शाम हो चुका है, रात में तो रात भर इसे देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक जगह पे हो जाता है, और एक जगह पे होके सोता है तो क्या होता है, दब के चिक्स का मरने का चांसेस रहता है। अभी इसी टाइम मरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अभी थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो बाद में और 3-4 दिन बाद फिर वो ज़्यादातर एक जगह पे नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा छोटे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं एक जगह पे जाके सब अंदर जा रहे हैं, एक जगह पे इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर जाते जाते नीचे वाला दब जाएगा और मर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा हंसा हटा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक चिक्स मर चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये दब के मरा हुआ था क्योंकि बड़ा चिक्स सही है, दब के मर चुका होगा। बाकी ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया एकदम लाइव कि कैसे चिक्स मरता है। ये इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, फिर भी ये मर चुका है, क्योंकि ये दब के मर चुका है। तो ऐसा एक आपको पास रहना चाहिए जिससे बच्चे को ऐसे हटा सकते हैं। इसे देख के बच्चा भाग जाता है, ठीक है, तो बच्चा इसलिए इसे ऐसा भगाना है, क्योंकि आप पहले देख चुके साइड में बच्चा मर जाता है। इससे अच्छा है इसे रात में तो बहुत ज़्यादा एक जगह पर हो जाएगा, तो इसे भगत रहना है। यहाँ पे एक चिक्स बाहर आ चुका है, तो इसे हम पकड़ेंगे अभी। ठीक है, वैसे तो साइज़ बहुत अच्छा है चिक्स का। तो यहाँ पे तो चिक्स का वज़न भी काफ़ी अच्छा है। ये सब चिक्स जो चिक्स खड़े होके सो जाएगा तो उसे वो उसका प्रॉब्लम रहता है, जो उठा दिया तो खाने लग गया। यहाँ पे भी थोड़ा उठाएंगे, इसे ऐसे भगाते रहना है। 2 दिन तो आपको करना है, कम से कम 3 दिन। अभी इतना भी ज़्यादा ठंडी नहीं आए, क्योंकि दशहरे का टाइम है, और दशहरा निकल गया तो इसके बाद जो लौट आएगा उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होगा, तो इसमें आपको तो रात में देखना होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर एक जगह हो जाता है। यहाँ पे दब के कोई भी तो किसी का सांस बंद हो जाएगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा मगर दबा रहेगा तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए
वो मर जाएगा। इसी वजह से बच्चा चिक्स ज़्यादातर मरता है। और पहले ही दो दिन में ऐसे 2000 में किसी किसी तो 100-100 बच्चा भी मर जाता है, 4-5-10 गया तो ठीक है, दो दिन के बाद ये सब ठीक हो जाएगा एकदम। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा पूरा हम देते रहेंगे, एक दिन से लेके लास्ट तक पूरा देंगे। इस सीरीज़ में कोई भी गैप नहीं आएगा, कल इसमें क्या मेडिसिन डाला जाएगा और फिर इसमें क्या वैक्सीन आएगा, ये सब हम आपको दिखाएंगे। फीड कैसे दिया जा रहा है, बर्तन धोने का और चेंज करने का सबको आपको दिखाएंगे। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हुए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर रखना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।